गाइस, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ, आप भी कर लीजिए ब्रेकफास्ट। में बहुत एक सिंपल सा मैंने सैंडविच ले रखा है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। सैंडविच है, इसमें ना खीरा और टमाटर ही है बस, और कुछ नहीं डाला मैंने। और ये पुदीने की चटनी और आधा कप दूध, कुछ जो है बिना चीनी का है, फीका है। आ जाइए आप लोग भी। वैसे अच्छा तो नहीं लगता बिना शक्कर का या बिना चीनी का दूध पीना या चाय पीना, बट मैं पीती हूँ। और बाकी तो सब ठीक ही है और बाकी चीज़ें ठीक करने के लिए ये मैं कर ही रही हूँ। चलिए मैं ना अभी मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। जो है ना, दोपहर का 2 बज रहा है और मुझे हल्की सी ना भूख फील हुई, तो मैंने सोचा कि भूखा रहने से अच्छा है कि मैं खिचड़ी बना लूँ। मैंने यहाँ रखी है अपनी दाल और दलिया की खिचड़ी बनाने। और यहाँ मैं ना आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। तो आपको एक बात बताती हूँ कि ये अचार मैं डाल रही हूँ अपनी हाउस हेल्पर के लिए, जो मेरी मेड है विनीता, उसके लिए, क्योंकि उसको अचार चाहिए। वो पिछले साल से मुझसे बोल रही थी कि भाभी अचार दे दो, मुझे अचार दे दो। तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मेरे जो जार है ना, वो भरे रहे और मैं इनको खाली ना करूं। तो अभी सीजन का पहला आम जब घर में आया, तो मैंने ना उसके हिस्से के आम मंगाए 2 किलो, और मैंने कहा चलो भाई इसका भी अचार डाल के दे दूंगी ताकि उसको बुरा ना लगे। और बस अभी इसको ना मैं धूप में नहीं सुखाऊंगी, इसको मैं अलग मेथड से डालूंगी, ऐसे ही बस इसका पानी निकाल दूंगी और सूखा अचार बनाऊंगी इसको मैं। मेरी खिचड़ी जो है ना बनने वाली है। आज मेरी शुगर बहुत सही आई, क्योंकि जो मेरा डाइट प्लान है ना वो वर्क कर रहा है, और मेरा जो परहेज है वो वर्क कर रहा है। और अभी तो मैं थोड़ा लेज़ी हो गई हूँ, क्योंकि लेज़ी इन द सेंस मतलब कि ना शुगर हावी हो गई है दिमाग पे कि क्या होगा क्या होगा। उसकी वजह से ना काफ़ी डिप्रेशन में चली जाती हूँ मैं रोज ही खैर अभी थोड़ा ठीक लग रहा है, आज के रिजल्ट से मुझे अच्छा लग रहा है। ये भी होता है कि अगर हम भूखे रहेंगे ना तो उससे भी शुगर हमारी बढ़ती ही है। तो मुझे भूख फील हुई और अभी मैं फिर दाल और दलिया की खिचड़ी बना रही हूँ। अभी थोड़ी सी ये खा लूँगी। चलिए मैं खिचड़ी खा लेती हूँ और फिर उसके बाद ना मैं मिलूँगी आपको शाम को, ठीक है? चलिए। गाइज, यहाँ पर जो है मैं अचार डाल रही हूँ, और मैंने ना सारे मसाले, क्योंकि ये बॉटल्स में ही थे ना, और धनिया का पैकेट तो मैंने अभी खोला है, तो धूप में तो सुखाया नहीं था, तो क्योंकि इंस्टेंट बनाना है मुझे, फिर कल ना फिर बहुत सारे काम हो जाते हैं, तो मैंने अभी इसको बनाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। तो मैंने मसालों को ना थोड़ा सा सेक लिया, और फिर जब ये ठंडे हो गए तो मैंने इनको अच्छे से पीस लिया है, और फिर मैं इन्हें आम में मिला दूँगी। ये मैंने आम ना धूप में नहीं सुखाए इस बार, इनको मैंने अच्छे से नमक में ही चरा के रखा 4-5 दिन, और अब मैं इसमें सारे मसाले मिक्स कर रही हूँ और थोड़ा तेल डाल के, और फिर मैं इसको सूखा ही बनाऊंगी। अभी 2-4 दिन अपने पास ही रखूंगी, फिर उसे दूंगी। वैसे तो फूई नहीं लगेगी, ख़राब नहीं होता अचार, लेकिन फिर भी मैं चेक करूंगी कि ख़राब तो नहीं हो गया, क्योंकि किसी को भी ख़राब चीज़ नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे मैंने हींग भी डाल दी है, और अब मैं इसमें तेल डाल के इसको अच्छे से हाथ से मिक्स करके, और ये डब्बा वही दे गई थी क्योंकि मेरे पास डब्बा ही नहीं था, उसी को दे देती हूँ मैं विनीता को ही डब्बे, तो मैंने कहा भाई डब्बा ला के दे दो, डब्बा नहीं है इस बार मेरे पास, तो डब्बा उसने ला के दिया। मैंने अच्छे से इसे साफ़ करके और फिर इसमें जो है ये भर दिया। अचार डालते हैं तो बर्तन इतने सारे हो जाते हैं, मैंने साथ साथ फिर बर्तनों को भी धोना ज़रूरी समझा, क्योंकि मैंने मिर्च मिक्स की थी ना अचार में, तो मेरे हाथ में ना फिर इचिंग हो रही थी। मैंने कहा चलो बर्तन धोऊंगी ना तो उससे मेरे हाथ नॉर्मल हो जाएंगे थोड़े। बहुत काम हो जाते हैं भाई घर में, बहुत ज़्यादा, ना करो तो कुछ नहीं, आराम से बैठा रहे बंदा करने लगो ना बहुत काम है। यहाँ पे देखिए अचार हो गया है, और मैं जो है अपने लिए ना घड़ा लेकर आई थी, क्योंकि मैं फ्रिज का पानी नहीं पीती हूँ, तो इसमें ना बड़ा ठंडा हो जाता है, पता है। गाइस, सारा काम मेरा हो गया, और ना विनीता के लिए अचार भी डाल दिया। आज का दिन बहुत ज़्यादा बिजी था मेरा। मैं सुबह मिली आपसे, सुबह के बाद ना अभी मैं सीधा आपसे शाम को मिल रही हूँ, मतलब 8 बजे रात हो गई है, क्योंकि हम लोग गए थे अपने फ्रेंड के यहाँ, मेरी जो फ्रेंड है उन्होंने मुझे बुलाया था आज,
गेट टुगेदर था एक छोटा सा, तो हम लोग वहाँ गए थे। काम मेरे बहुत सारे थे आज, बट वो जो कि अब आके मैंने करे हैं, सो हो तो गए काम पूरे। वैसे मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। सो ये देखिए, मैंने ना ये सिलिकॉन के कवर हैं जो मैंने मंगाए हैं, ठीक है। 6 पीसेज हैं इसमें, 6 का पूरा सेट है। सो ये मैंने किस लिए मंगाए हैं, क्योंकि ये स्ट्रेचेबल हैं। वैसे तो चीज़ें डब्बे में ही रखते हैं फ्रिज में, समटाइम्स ये होता है कि डब्बा अवेलेबल नहीं होता है, या फ्रिज में पहले से होता है, या कोई कटोरी या कोई कटोरा या डोंगा रखना पड़ता है तो जिसका ढक्कन नहीं होता, तो ये ना उसके ऊपर बहुत आसानी से बहुत इजीली आ जाते हैं उसको कवर करने के लिए। समटाइम्स ये होता है कि आप तरबूजा लाए हैं, खरबूजा लाए हैं, उसको काट के रख रहे हैं, तो क्योंकि पूरा महक जाता है फ्रिज, पानी में भी उसकी स्मेल आ जाती है, तो हम क्या करेंगे कि इसको हम पूरा स्ट्रेच करके तरबूज के ऊपर उसको हम रैप कर देंगे, खरबूजा के ऊपर हम उसको रैप कर देंगे। तो ये मैंने इसलिए मंगाए हैं। अब ये तो हुई मेरी कहानी। अब है प्रियंका की बात कि वो इतना हंसी इन्हें देख के, मम्मी क्या मंगाया है आपने ये। क्योंकि मैं आपको एक अच्छी बात बता देती हूँ गाइस, कि मुझे ना अमेज़ॉन पे ऑर्डर करना आ गया है, जो ये लोग मुझे नहीं सिखा रहे थे, और मैंने कभी एफर्ट भी नहीं किया कि मुझे ना सीखना है। सो मैंने वो सीख लिया, ठीक है। देखिए मेरी आंखें अजीब से लग रही है, मुझे नींद आ रही है क्योंकि मैं थक गई। तो ये लोग मुझे नहीं सिखा रहे थे, एक दिन मैं ऐसे ही करके देख रही थी कि कैसे करते हैं, मैं आ गया, अब जो मेरा मन करता है वो मैं मंगा लेती हूँ। तो उसी का एक सबूत ये है कि मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या मंगाया है। सो अभी वो देखेगी, उसको नहीं पता है। ये है ज्वेलरी बॉक्स शाइनिंग दीवा फैशन से। सो ये मैं आपको दिखाती हूँ अभी कैसी ज्वेलरी है। सो गाइस ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये नेकलेस है, ठीक है, और अभी नहीं टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। और ये हैं इसके कानों के, तो जैसे कि मैं कुर्ते पहनती हूँ ना बिना दुपट्टे के, और कभी कभी स्टाइल चेंज करने के लिए, तो मैंने ये मंगाया। मैंने कहा एक मंगा के देखती हूँ, फिर तो मैं मंगा ही लूँगी। अब वो पता है ये वीडियो देखेगी, अरे मम्मी क्या कर रहे हो। उसको सबसे ज़्यादा डर लगता है मेरी शॉपिंग से। मैं डरा के रखती हूँ उसको। अच्छा तू ये बात नहीं मान रही मेरी, चल मैं ऑर्डर कर रही हूँ फिर। नहीं 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 ये मैंने मंगा लिया, ये मुझे 299 का पड़ा, अच्छा लग रहा है, बहुत सुंदर। तो अभी एक दो चीज़ें और आनी है मेरी ऐसी छोटी छोटी, तो कह रही है बस पैसे ही बर्बाद करते रहा करो आप, तो अभी देखेगी ना वो बहुत वो करेगी। तो चलिए गाइज आगे की बात मैं आपसे कल करूँगी। आज जो मेरे सारे काम थे वो मेरे हो गए, और अभी डिनर जो है कल रात के जो है राइस थे ना, तो मैंने दाल और अरबी फ्राई बना ली है, तो अभी हम डिनर करेंगे आज, जल्दी कर लेंगे जिससे कि जल्दी सो सकें ताकि सुबह ठीक से उठ सकें। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे कल, कल करेंगे कुछ और। तब तक बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, अपने आप का ध्यान रखेंगे तभी सब कर पाएंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय, लव यू ऑल।